एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पर रोब्लॉक्स, और गाइस रोब्लॉक्स के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सिम्युलेटर। और गाइस इसमें हम लोगों को अपना शॉपिंग सेंटर बनाना है। जी हाँ, सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बनाना है गाइस, आई एम नॉट इवन जोकिंग। तो अभी हम लोगों का स्टोर कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब हम लोगों ने सिर्फ दो शेल्फ लगाए और एक कस्टमर हमारे दुकान के अंदर है, और यहाँ पर यार वो चीजों को देख रहा है। और आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर और शेल्फ बना सकते हैं और चीजें लगा सकते हैं और सामान मंगवा सकते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपन लोग दो शेल्फ और लगा दे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफी सारे पैसे हैं। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है कि जगह नहीं है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ऑब्वियसली इतना जगह है कि चार शेल्फ लग सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जो दोनों शेल्फ लगे हुए हैं ना, इनको हम लोग थोड़ा साइड घिसका देते हैं। फ्रॉस्ट भाई आप यार अपना साइड घिसकाते रहो भाई, मैं आपसे बड़ा बना लूंगा। अबे नूबड़े चुप करेगा भाई, तू बनाना यार। यहाँ पर इसके चक्कर में गाइस हम लोगों ने बाहर लगा दिया था। ऑलराइट, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसको एकदम इजिली यहाँ पे लगाओ। एंड अरे अरे लग जाए यार, क्या आदमी है। ऑलराइट गाइस, कस्टमर आ रहे, जल्दी जल्दी हम लोगों को नई नई चीजें लगानी होंगी। ओके, तो ये लग गया यहाँ पर एंड ये लग गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। नाउ गाइस, अबे शमशेर क्या कर रहा है इधर? फ्रॉस्ट भाई वो लगता है आपको देखना है कि आप सब कुछ सही से कर रहे हो कि नहीं भाई। ओके, तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर एक बार शेल्फ लगा दिया है, और शमशेर भी आई गेस यही निकलता ही होगा। अब हम लोगों को यहाँ पर से जाना है और जल्दी से जल्दी जो भी सामान हम लोग खरीद सकते हैं अपने शॉप के लिए उसको खरीदना है और ला करके उसको बेचना है। तो सामान खरीदने के लिए गाइस हम लोगों को सबसे पहले चेक करना हो क्या चाहिए। तो अभी मेरे पास बहुत सारे कैंड फूड्स हैं और हम लोग यहाँ पर क्लियरली बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। मतलब ये देखो पूरा एक लिस्ट है यार, हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं और उसमें कितना प्रॉफिट होता है और वो कितना ज्यादा स्पेस लेगा हम लोगों का स्टोर करने में। तो गाइस यहाँ पर आई गेस हम लोगों ने सारा का सारा सामान जो पुराना वाला था वो ऑलरेडी लोड कर दिया है। अब हम लोगों को नया गुड लाना होगा। तो काम करता हूँ, मैं जाता हूँ नया गुड लाने और उसके बाद मिलता हूँ आप सभी से। ओके, सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि हम लोगों को क्या क्या चीजें खरीदनी है, और एक बार डिसाइड होने के बाद अब हम लोग सीधा जा रहे हैं लोडिंग एरिया। और गाइस वहां पर से हम लोगों को अपना सामान मिलता है। वो लोग के पास यार सारा सामान है जो भी आपको चाहिए। और ये देखो चॉप अपने शॉप में जा रहा है। ओए चॉप कैसा है भाई? फ्रॉस्ट भाई कैसा हो? देखो मेरा कैसा लगा आपको शॉप भाई? अबे पूरा पिंक कलर का बना के रखा है यार तूने। खैर हटाओ भाई, इसका शॉप है, अपने को क्या है। देख भाई ध्यान से खरीदारी करना वरना पता चला तू स्कैम ना हो जाए। और ये देखो गाइस और भी शॉपकीपर यहाँ पर से जा रहे हैं। अभी वो तो शमशेर जा रहा था, चलो कोई बात नहीं, उसको अपना काम करने देते हैं यार, यहाँ पर उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और हम लोग चलते हैं सीधा लोडिंग एरिया। और गाइस एज यू कैन सी हम लोग पहुंच चुके हैं। अरे भाई साहब ठीक से जाओ यार, क्या आदमी हो भाई, ठोक दोगे क्या? और ये रहा हमारा लोडिंग एरिया गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो सब किसी के पिक्चर लगे हैं, जिनको भी जहाँ पर कार पार्क करनी है। तो अपन लोग का पिक्चर यहाँ लगा है, तो हम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी को लाते हैं, पार्क करते हैं, लोड ट्रक दबाते हैं और उसके बाद सीधा चलते हैं। तो ये वो बंदा है गाइस जिसको आपको अपना आके ऑर्डर देना होता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला सामान खरीदेंगे, और वो है गाइस क्लियरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप लोग देख सकते हो यार फ्रूट पे डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट होता है गाइस, कंसीडरिंग कि बाकी सामान से यार आपको उससे कम प्रॉफिट होता है। और यानी कि अगर आप एक वेज फ्रूट बेचते हो तो आपको $22 का प्रॉफिट होता है। सोच रहे हो गाइस, और उतना तो यार लैपटॉप बेचने पे भी नहीं होता है, आई मीन डबल भी नहीं होता है, बट स्टिल काफी सारा होता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपना मन बना लिया है कि हम लोगों को क्या क्या चीजें बेचनी है। एंड या लेट्स गेट राइट इनटू इट गाइस, अब टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो चलो फटाफट से इन भाई साहब को अपन लोग ऑर्डर देते हैं। ऑलराइट, सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है अपना फ्रूट, और इसका क्वांटिटी मैं रखूंगा 50, ठीक है। टोटल $500 लगेंगे, और वेजिटेबल्स भी हम लोगों ने $500 के खरीद लिए यहाँ पर, यानी कि जो टोटल पैसे थे हमारे यार बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुके। ओ शिट भाई, एक काम करो सीधा 1000 का खरीदो, सच बोल रहा हूँ मैं। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, काफी सारे पैसे हो चुके अब हमारे पास। क्या लगता है आपको हम लोग कितना अमीर बन सकते हैं इन सारे के सारे सामान को बेच करके? मुझे लगता है यार समवेयर अराउंड अपन लोग आराम से $10,000 आज इजीली कमा सकते हैं, और तो और शॉप को भी अच्छा खासा अपग्रेड कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, मुझे लगता है ना कि ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है, अपन लोग आराम से यार इसका 2-3 पार्ट ला सकते हैं। अबे 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 भाई भाई भाई, एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने गाइस, हम लोगों ने तो यार सामान ही नहीं लिया। माफ फ्रॉस्ट भाई, आप लोड करना भूल गए क्या? अबे सारा का सारा सामान मेरा वही छूट गया। डैम इट यार, यही होता है गाइस जब आप हड़बड़ी में गाड़ी चलाते हो, तो इसीलिए बोलता हूं भाई हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का है दोस्तों। तो चलो फटाफट से अपना सामान ले लेते हैं। भाई किसी ने चोरी तो नहीं किया? ये देखो मेरा सामान रखा हुआ है यहाँ पर। व्हाट द हेल यार मैंने, अबे यार चलो इसको लोड करो फटाफट से। सारा सामान आ गया हमारी डिक्की के अंदर और वो ऑटोमेटिकली लोड भी हो गया। वाओ, तो गाइस इस ट्रक की एक लिमिट है, उससे
ज्यादा सामान आप इससे कैरी नहीं कर सकते हो, तो डोंट वरी, वैसे भी हम लोग ज्यादा बड़ी चीजें नहीं खरीदने वाले अभी फिलहाल के लिए, लेकिन हो सकता है गाइस किसके इस वीडियो के एंड तक अपन लोग एक बड़ी वाली ट्रक खरीदे और हम लोग उसमें बहुत सारे सामान खरीदे, आई मीन आई एम टॉकिंग यार मिलिट्री कार वगैरह भी अपन लोग खरीद सकते हैं। सो या, और एक सेकंड, मैंने अपना भाई शॉप किधर गया मेरा, व्हाट भाई मेरे को एकदम याद नहीं मेरा शॉप किधर है, भाई मेरा शॉप किधर है, ओ अच्छा अरे यार उधर है मेरा शॉप भाई, वही मैं सोचू, एक तो यार रात के अंधेरे में गाइस बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, व्हाट भाई बोलो तो मैं पीछे से आ रहा हूं आपको धक्का दूं क्या, अबे नहीं भाई तेरा धक्का नहीं चाहिए, मेरे को पता चला जो भी यार फ्रेश फ्रेश मैं फ्रूट्स और वेजीज लेके आया हूं वो यहीं पर टूट करके खराब हो जाएंगे और भाई साहब फिर मेरे को बोलेगा भाई मेरे को नहीं पता तुम क्यों आए थे सामने। ऑलराइट, हमारा ट्रक यहां पर अनलोड हो चुका है, अबे कैसे अनलोड करते हो भाई, तुम लोग सामान ला के फेंक देते हो अंदर में। ऑलराइट तो गाइस अब टाइम है फटाफट से सारा का सारा यहां पे इक्विपमेंट खरीदने का जिसमें हम लोग अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो राइट साइड में हम लोगों ने ऑलरेडी यार बहुत सारी सामान स्टोर कर दिए, अब टाइम है यहां पर पियर स्टोर करने का एंड टोमेटोज, भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस, अब इतनी ज्यादा बिक्री होगी ना इनकी, इनकी डिमांड की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग इनको खरीदना शुरू करेंगे और इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दोस्तों अपन लोग का काम यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और आइए जितने कस्टमर हो सकते हैं उतने आइए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस झकास से जगह के बारे में। और गाइस काफी खाली खाली सा लग रहा है, तो काम करता हूं मैं यहां पर यार रीस्टॉकर को ऑलरेडी हायर कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हो लेवल 1 का यहां पे बिल नेल्सन नाम का रीस्टॉकर है और ये हमारी चीजों को रीस्टॉक करने का काम करेगा गाइस। लेकिन मेरे को यहां पर डिलीवरी ड्राइवर भी खरीदने पड़ेंगे, और तो और मैं यहां पर सोच रहा हूं कि एक एडम रॉजर्स को भी खरीद लूं, ये बंदा भी हमारे रीस्टॉक का काम करेगा यार। सो या, काफी सारे लोगों को हायर करना है गाइस, तो चलो फटाफट से इन लोगों को हायर करते हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्विक अपडेट, काफी समय बीत चुका है एंड हम लोगों ने यार ऑलमोस्ट सबको वापस फायर कर दिया है क्योंकि यार वो लोग काम नहीं कर रहे थे भाई, निठल्ले थे सारे के सारे। और गाइस अभी अभी हम लोगों के शॉप में मेरे को पता चला कि ड्रोन्स की डिलीवरी आई थी, तो मैं उसको यार ट्रक लेके फटाफट से लाने गया था और आप लोग देखो हम लोगों ने फाइनली अपने शॉप में हाई एंड टॉयज बेचने शुरू कर दिए, है ना जबरदस्त। सो गाइस अभी अपन लोग आए हैं शॉप का यार मॉल चेकआउट करने, और ओ डैम ब्रो ये डोनट बेच रहा है, अबे ये कौन बंदा है भाई, निकलो यहां से भैंस, क्या चौप कहां चला गया। फर्स्ट भाई आप किसके दुकान में घुस रहे हो भाई, वो पता नहीं कौन है, आप मेरे दुकान में आओ, देखो मैं उतर रहता हूं भाई, हां इधर ही आओ। ऑलराइट ये रहा गाइस शॉप का शॉप, और ओ माय गॉड इतना ज्यादा खाली शॉप क्यों है भाई, ये तो पैनकेक्स बेच रहा है, मतलब फ्रिज वगैरह लगा के रखा है इसने, बैकग्राउंड में इसने यार स्टोरेज वगैरह का भी एरिया बना दिया है, ओवरऑल काफी अच्छा एरिया है यार, मतलब मेरे को सच बोलूं तो चॉप का शॉप काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन गाइस आपको तो पता ही है द बेस्ट वन इज व्हाट वी हैव, और हमारे पास यहाँ पर सबसे बेस्ट वाला है। वेल यहाँ पर अभी अभी जस्ट सुबह हुआ है तो अपन लोग लोकेशन पे पहुंच गए अपने शॉप की, यहाँ पर देखने की क्या हाल चाल है, लोगों को क्या हाल भाव चल रहे हैं, और देखते कौन कौन आया है। वो काफी सारे लोग आ गए यार, अभी चीजें भी खत्म हो जाएंगी मेरी, रुको 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 मेरे को यहाँ पे जल्दी से ऑर्डर देना पड़ेगा। एक काम करते हैं फ्रूट्स की डिलीवरी मंगवा लेते हैं क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और हमारे यहाँ पे सबसे ताजे फ्रूट्स बिकते हैं, तो इसलिए यार अपन लोग को यहाँ पे मेक श्योर करना है कि फ्रूट्स हमारे यहाँ पूरा रहे। तो चलो फटाफट से चलते हैं। अरे 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 ओ भाई साहब अबे हवा में लटक गया भाई मैं। फर्स्ट भाई थोड़ा आराम से करो भाई, इतना ज्यादा तेज चलने का कोई जरूरत नहीं है, पता चला आप मर गए तो मेरे से कंपटीशन कौन करेगा भाई। अबे तेरे से कंपटीशन, अबे भाई पागल है क्या, तेरे से बड़ा कंपनी बनूंगा मैं, Amazon से भी बड़ी कंपनी बनेंगे गाइस, अपन लोग टेंशन मत लो। ऑलराइट लगता है कि ये चॉप ये कि कौन है भाई, लगता है ऑलरेडी कोई बंदा आया हुआ है गाइस, हमारा सामान ऑलरेडी लोडेड है, हमें बस उसको उठाना है और यहां से निकलना है, लेट्स गो। तो आप लोग देख सकते हो काफी सारा यहां पर सामान हमारी ट्रक के अंदर आ चुका है एंड आई थिंक यार इसको देख करके कस्टमर्स काफी ज्यादा खुश होंगे और हमारी शॉप को यार बहुत ही जबरदस्त रेटिंग मिलने वाली है। एंड आई एम टेलिंग यू पीपल, आप लोग बस देखते जाइए, जैसे ही हम लोग यार इस वीडियो को एंड करेंगे अपन लोग काफी आगे निकल चुके होंगे अपने कॉम्पिटिटर्स से। और यहाँ पर फटाफट से इसको अनलोड करते हैं, अबे रोड पे फेंक दिया मैंने, लेकिन गाइस इस गेम में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप रोड पे फेंको जमीन पे फेंको कहीं भी फेंको, दे डोंट केयर, बस आपको यार सही जगह पर स्टॉक कर देना है। ऑलराइट चलो फटाफट से सारे के सारे फ्रूट स्टॉक करो एंड यहाँ पर पियर्स लगा देता हूँ, बहुत बढ़िया, ये देखो भाई अब लग रहा है ना हमारा शॉप एकदम 5 स्टार। गाइस मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे बंदे इतने ज्यादा खुश है ना, ये लोग बार बार आएंगे, अपने दोस्तों को भी बुलाएंगे और हो सकता है पार्टी करने भी यहीं पर आए। एंड एज यू कैन सी बहुत ज्यादा, मतलब हम लोगों ने टॉयज भी इतने सारे बेचे है ना, मेरे को मजा आ गया यार, टॉयज में काफी प्रॉफिट है गाइस। फ्रूट भाई क्या बात करो भाई, मैं भी टॉयज बेचना शुरू करता हूँ भाई। अबे चीटर चीटर कहीं का भाई, मेरे सामान चुराना चाहता है ये। ऑलराइट रजिस्टर पे भी यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप लोग देख सकते हो एक बंदा वहां पे खड़ा है, दैट मींस कि सारा काम एकदम स्मूथली रन कर रहा है। ऑलराइट तो अब यार मैं आप लोगों को सीधा मिलता हूँ जब हम लोग थोड़ा और अपग्रेड कर लेंगे एंड थोड़ी मोड़ी चीजें मेरे को और बनानी है। ऑलराइट सो गाइस ये देखिए हम लोगों ने अपने शॉप के अंदर काफी सारे नए स्टॉल्स लगा दिए, कपड़े भी बेचना शुरू कर दिया, स्प्रे पेंट पेंट कैंस बहुत सारी चीजें, और आप लोग देख रहे हो यार अब हम लोगों ने वेजिटेबल्स भी बेचने शुरू कर दिए। फाइनली मैंने बहुत सारा सामान खरीदा था एंड आई फॉरगॉट कि हम लोगों के पास इतना सारा सामान है, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतनी सारी चीजें ना मेरे किसी भी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, मतलब मैंने
मोहल्ला में सारे लोगों के सारे लोगों के शॉप्स चेकआउट किए गाइस, एंड किसी के भी पास इतना ऑसम लूट नहीं था। और टॉप पे आप लोग देख सकते हो क्लियरली हमारा नाम है एकदम सेकंड प्लेस पे। जैसे टॉप पे शमशेर है भाई, और ये चॉप एकदम लास्ट सेकंड पोजीशन पे है। तब चॉप कैसा लग रहा है एकदम बॉटम पे? नॉट अबाउट, टेंशन मत लो भाई, आ रहा हूं मैं नंबर वन प्लेस के लिए, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। ऑलराइट टू आते रहे भाई अपन लोग, तब तक देखते यहाँ पे कुछ अपग्रेड करने के लिए है क्या। भाई गाइस आपको पता है यहाँ पर अपग्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। अपेरेंटली अगर आपको अपना शॉप को काफी ज्यादा बड़ा और मस्त जबरदस्त बनाना है तो आपको जमीन खरीदनी होगी, और जमीन आप तभी खरीद पाओगे जब लोग आपके यहाँ से सामान खरीदेंगे। और मेरा सूप उतनी देर से बिक ही नहीं रहा है, मतलब मैंने इतना सारा सूप खरीद लिया गाइस ये सोच करके कि लोग उसको खरीदेंगे, पर इट सीम्स लाइक लोगों को नहीं चाहिए। सूप इज नॉट व्हाट पीपल वांट एंड ऑल दे आर आफ्टर इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो हम लोग वही बेच रहे हैं। और फॉर सम रीजन गाइस यहाँ पर स्प्रे पेंट बहुत ज्यादा बिक रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार लोग पता नहीं किसके दीवार को जाके खराब कर रहे होंगे यार। बट खैर हटाओ, हमें क्या है गाइस, अपने को तो बस ऑर्डर पे ऑर्डर देते जाना है और काम पे काम निकालते जाना है। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। बहुत ज्यादा मेहनत कर ली अपन लोग ने, फटाफट से एक नया बैच ऑफ गुड्स मंगवाते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट टू देखना है तो फटाफट से 60,000 लाइक्स कर दो। मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड स्टे फ्रॉस्टी।